सपने वे नहीं होते जो आपको रात में सोते समय नींद में आए, बल्कि सपने वे होते हैं जो रात में सोने ही ना दे। ऐसी बुलंद सोच रखने वाले मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने जब देश के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली, तो देश के वैज्ञानिकों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। सरल स्वभाव के कलाम साहब को देश आज भी याद करता है। जीवन में सादगी ऐसी जैसे किसी सन्यासी का जीवन बिता रहे हो। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने पर एक जोड़ी कपड़े लेकर राष्ट्रपति भवन से विदाई ली थी। उन्होंने पूरा जीवन एक साधु की तरह व्यतीत किया। कलाम साहब का जीवन कठिन परिस्थितियों में गुजरा। बचपन की बात करें तो नन्हे कलाम का बचपन चेन्नई के रामेश्वरम की सकरी गलियों में बीता। शुरुआती शिक्षा रामेश्वरम में ही हुई। रोजाना नहाने के पश्चात सुबह 4 बजे गणित के अध्यापक स्वामीयर के पास गणित पढ़ने चले जाते थे। स्वामीयर की यह विशेषता थी कि जो विद्यार्थी स्नान करके नहीं आता था वह उसे नहीं पढ़ाते थे। ट्यूशन से आने के बाद स्टेशन जाते और सुबह का अखबार बेचते थे। इसके बाद घर लौटते, नाश्ता कर फिर स्कूल जाते थे। 5 भाई बहनों में अब्दुल कलाम सबसे छोटे और सबके लाडले थे। कलाम ने अपने जीवन में ढेरों सफलताएं अर्जित की, लेकिन कई बार असफल भी हुए, लेकिन हर बार खड़े हुए और फिर से कर्म के रास्ते पर मंजिल को पाने के लिए निकल पड़े। उनके जीवन से एक जुड़ा ऐसा ही किस्सा कलाम साहब ने अपनी बायोग्राफी में शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके जीवन में एक ऐसा भी समय आया था जब वे अपने जीवन में पूरी तरह से टूट चुके थे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम साहब ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बतौर ट्रेनी काम करने के बाद 2 जगह नौकरी के लिए आवेदन किया था, जिसमें पहला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली में बतौर इंजीनियर पद पर, तो वहीं दूसरी जगह थी एयरफोर्स में नौकरी। कलाम साहब ने दोनों जगह आवेदन तो कर दिया था, मगर उनका मन एयरफोर्स में जाने का था। एयरफोर्स में जाना उनकी पहली पसंद थी, जिसके बाद वह दिल्ली गए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंटरव्यू दिया। फिर वह देहरादून में एयरफोर्स का इंटरव्यू देने गए थे। दुर्भाग्य से उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब्दुल कलाम काफी निराश हो गए थे और वह बुरी तरह से टूट गए थे। वह उनकी जिंदगी का बहुत कठिन समय था। वह उस समय उत्तराखंड के ऋषिकेश में थे। वहां वह कई दिन भटकते रहे। उनको लग रहा था कि उनका जीवन बर्बाद हो गया है, वह बुरी तरह से टूट चुके थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। उन्होंने स्वामी शिवानंद को अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताया, जिसके बाद स्वामी जी ने उनको समझाया, ईश्वर ने आपको किसी बड़े कार्य के लिए नियत किया है, वह नहीं चाहते कि तुम यहीं रुको, आगे बढ़ो। जिसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी कर ली थी। निश्चित तौर पर यह समय उनके लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट था। बाद में वह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी नहीं करते तो शायद आज जिस मिसाइल मैन को हम जानते हैं उसे हम खो चुके होते। आखिर 27 जुलाई 2015 को IIM में एक लेक्चर के दौरान उन्होंने सांसारिक देह को त्याग दिया। आज भी कई मौकों पर देश कलाम साहब की कमी को शिद्दत से महसूस करता है।